जी बख्शी सर, हाँ जी सर, एंटीडोट हमें मिल चुका है। कितनी क्वांटिटी बोली आपने? पहले 15 ml और फिर आधे घंटे बाद 15 ml। और ठीक है सर, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद। बस ये एंटीडोट काम कर जाए, वरना करिश्मा सिंह के सच के सीरम की वजह से आज हम खुद सारे शहर को पकड़ पकड़ कर बताने वाले थे कि हम उर्मिला नहीं हसीना मलिक हैं। आज ही सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। लगता है काम हो गया, कंफर्म करना होगा। लेकिन कैसे कैसे कंफर्म करें कि सीरम का असर कम हुआ है या नहीं? अब जो भी बोल रहे हैं हम, सच बोल रहे हैं या कुछ और? ए मातारी, आइटा सुन ना, मेरे को तेरे से जरा एक काम है। मेरे को कोई सरप्राइज सवाल पूछ। कैसा सरप्राइज सवाल? अरे सरप्राइज सवाल है, मैं कैसे बताएगी, खुद अपने मन से पूछ कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ। लल्ला के पापा का जन्मदिन कब होता है? लल्ला का पापा है कौन? अरे हमारे लल्ला के पापा। मैंने सरप्राइजिंग सवाल पूछा, शॉकिंग नहीं। ये कैसे मालूम होएगा रे मेरे को? तू जा मातरी, रहने दे, नहीं होएगा तेरे से, जा। नहीं नहीं नहीं, और कुछ अलग पूछते हैं। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यहाँ से मुंबई वापस चली जाओगी, मतलब कभी ना कभी तो जाओगी ना? तू नहीं बोलेगी तो नहीं जाएगी। नहीं नहीं जाओ, वहाँ जाके तुम अपना वड़ा पाव का धंधा वापस शुरू करोगी कि कुछ और करोगी? कुछ सोचा है तुमने? मैं खाली अय्याशी करेगी, बड़े से बंगले में रहेगी, बंगले के पीछे स्विमिंग पूल, बंगले के आगे गार्डन, नौकर चाकर, फुल ऑन पार्टी। और ये सब कैसे करोगी? सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर उसके लिए फिर तुम्हें बैंक में डाका डालना पड़ेगा ना। तेरे हसीन दिलरुबा के अनुभव को पटाएगी, उसको पटाएगी, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, अपनी हुस्न की अदाओं से रिझाएगी और उससे शादी करेगी और जिंदगी भर उसके पैसे पे अय्याशी करेगी। तुम बस सपना ही देखते रहो। वो तुम्हारी हुस्न के जाल में नहीं फंसेगा। मेरे हुस्न के जाल का जादू भी देखा किधर है तूने? देख, कोई आदमी नहीं है जो मेरे हुस्न के जाल में नहीं फंसे। उसी को पटाएगी, उसी से शादी करेगी, क्योंकि मैं तेरी हसीन दिलरुबा से बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा हसीन है, बहुत ज्यादा स्मार्ट। देख लेना, उसको तो मैं पटा के रहेगी। शुक्र है एंटीडोट काम कर गया, करिश्मा सिंह की सच बोलने वाली दवाई का निजात मिल गया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ए चल चल, कस्टमर कस्टमर। किसने बुलाया तुमको यहाँ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? हमने बुलाया। तुमने? मतलब आपने काहे बुलाया इसको यहाँ? क्योंकि हमें इस बात पर पूरे यकीन है कि ये अपने भाई अमर के साथ मिली हुई है और अमर घर के अंदर ही है। देखिए, जब अमर गायब हुआ तब मेरा उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, और जब आपने अमर को मेरे घर पे देखा तब मैं मार्केट गई हुई थी। मुझे सच में नहीं पता है कि मेरा भाई कहाँ है, आपको सिर्फ गलत फहमी है ये। एक मिनट, ये क्या चल रहा है ये सब, समझाओ हमें अच्छे से। अरे मैं बोल दिया ना, मैंने खुद अपनी आंखों से अमर को घर के अंदर देखा है। ये झूठ बोल रही है, अभी इधर ये नाटक करके ड्रामा करके इसने अपने भाई को वनटास कर दिया और अपने को गेड़ा बना रही है। बस नहीं, बस बहुत हो गया माओ, बस बहुत हो गया। आप लोग मेरे भाई को ढूंढने के बजाय मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा भाई नहीं मिला ना तो मैं खुद को गोली मार दूंगी, और मेरी मौत का इल्जाम ना आप सब पर आएगा, इस पूरे पूरे प्रशासन पे आएगा। मैं मार दूंगी खुद को। हमारा गन चल जाएगा, मर जाऊंगी। क्या कर रही हो तुम, छोड़ो उसको। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा अभिनय हुआ आपका, लेकिन मैडम क्या है कि बंदूक नीचे रख दीजिए, उसमें गोली वोली है नहीं। हम साफ किए थे, सुबह साफ किए थे उसको। क्या बोल रहा है चीते, वो अलग बंदूक है, वो अलग बंदूक थी, इसमें गोलियां हैं। का बतिया रही है संतु जी? ये करिश्मा मैडम की बंदूक है, वो सुबह पुष्पा जी को डराने के लिए यहाँ पे ऐसे रखी थी तो पुष्पा जी ने लेके टेबल पे रख दी थी। तो अपनी गन आपने वापस नहीं ली थी? अरे तो सारा काम हम ही करे, आप नहीं ले सकती थी वापस? हाँ सारा काम हम ही करे, घर में काम करे, थाने में काम करे। अरे बस करो, मैं गोली मार दूंगी, सच में मैं मर जाऊंगी। मैं एक मिनट टोपा होगा, तुम्हारे भाई का तो पता नहीं लेकिन तुम जो अभी काम कर रही हो ना वो गैर कानूनी है, उसके लिए तुमको जेल में जाना पड़ सकता है। समझ रही हो हमारी बात को? गन दो वापस दो। अरे खून, तुम्हारी उंगली से तो खून निकल रहा है बेटा।
सॉरी, ये वो चांस मारा मैंने जानने के लिए कि तुम सच में अमर के साथ मिली हुई हो या नहीं। क्या? हाँ, बस यही जानना था हमें, इसलिए। दरअसल सच ये है कि हम जानते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है। ये सारा नाटक, ये झूठा इल्जाम हमने लगाया ही इसलिए था ताकि हम पता लगा सके कि तुम कितनी सच्ची और झूठी हो। लेकिन अब हमें इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि इस पूरे मामले से तुम्हारा बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। तुम बिल्कुल मासूम हो, इनोसेंट हो, हमें तुम पर शक नहीं है, तुम घर जा सकती हो। घोड़ा दे दो। हाँ? बंदूक। हाँ? हाँ। तो इसलिए अब तुम घर जाओ, इत्मीनान करो, खाना वाना खाओ, चाय पियो, हम खुद तुम्हारे भाई को लेकर तुम्हारे घर पहुंचते हैं। तुम क्या बिल्कुल ही चूरन हो के दिमाग से? हाँ, जब तुमको मिल गया था अमर तो बताया काहे नहीं, उसको दबोचते ना हम जाके। नहीं दबोच सकते। काहे? काहे के लिए, पहले मेरे को लगा कि अमृता को अगर इधर बुलाएंगे तो उसके पीछे पीछे उसका भाई अमर भी आ जाएगा। अमर नहीं भी आया तो हम कुछ ना कुछ करके अमृता से साथ चुगलवा लेंगे कि भाई ये सब चल क्या रहा है। लेकिन अब मेरे को नक्की हो गया है कि हम अमर को पकड़ ही नहीं सकते। काहे काहे नहीं पकड़ सकते भैया? क्योंकि अमृता ही अमर है। हाँ, मेरा भी दिमाग ऐसा ही घूम गया था जब पता चला कि क्या बेवकूफ बना रहे अपने को मिलके दोनों भाई बहन। क्या भाई बहन, ये दोनों एक ही इंसान है। अमृता ही अमर बन के हेमा, रेखा और जया को बेवकूफ बना रही है। सीना मलिक ने बोला अमर पकड़ा गया। कैसे? मैं ही तो अमर हूँ। फिर ये कौन सा अमर है जिसका ये हसीना मलिक जिक्र कर रही थी? जरूर कोई गलत इंसान पकड़ लिया होगा जिसे ये लोग अमर समझ रहे होंगे। कुछ टाइम खुद ही आकर बोलेंगे, सॉरी 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 सॉरी, ये अमर तो कोई और अमर निकला। कैसा बेवकूफ बनाया सबका। इससे पहले इन्हें मेरा खेल समझ आए, जितने जल्दी हो सके मुझे इन लोगों से दूर निकल जाना चाहिए। अब अमर दूसरे किसी शहर में जाकर अपना जादू चलाएगा और वहां दूसरी लड़कियों को लाखों का चूना लगाएगा। सही कहा है किसी ने, जब तक बेवकूफ जिंदा है अकलमंदों की तो ऐश है। जब आपको पता था कि अमृता ही अमर है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती मैं? मेरे पास कोई सबूत था क्या कि वो मिस झपाटा नहीं झोल के लाए? ठीक का, हमें उसे ऐसे दबोचना होगा कि वो अपने गुनाह से मुखरी ना पाए। बराबर, पर कैसे? बात ये है। सुन लो थाने वालों। ए मम्मी सुन लो। अगर मेरे को मेरी उर्मी मिली नहीं ना तो आपकी बोतल अभी की अभी इधर ही खत्म करके आप मर जाएगा। इस तरह फिक्र कौन मरता है? बकवास कर रहे हो तुम। दारू नहीं है ये, जहर है। जहर, ये जहर है जो पी के ये ढेर शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शेर ढेर हो जाएगा। उर्मी अपुन तेरे लिए जान दे देगा। पीलू पीलू मैं? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, क्या कर रही हैं आप? हाँ बोल दीजिए ना, वो मर जाएंगे। तू बोल दे। देखो, आत्महत्या करना पाप होता है। देखो, दुख किसे नहीं होता, किसे जिंदगी में दुख नहीं होता? अब हमें ही देख लो, जब से हमारे लल्ला की शादी हुई है ना, बहू नाम के बारूद के ढेर पर बैठे हैं हम। कभी भी धाम से फट सकता है, कभी भी हम स्वर्ग से धार सकते हैं, मगर फिर भी बारूद के साथ हम निभा रहे हैं ना। देख रही ना संतु जी, सुख हो चाहे दुख हो इनका सुरवे रहता है ना। मैडम ये पूरा पिटाने वाला काम करती हैं, किसी दिन थाना में अकेले पकड़ के रपेल लीजिए इनको। सही कह रहे चीता। हाँ, एक सेकंड भैया जी, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? दुख किसके लाइफ में नहीं है? मेरे लाइफ में भी दुख है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ। देखो, पिंपल्स जाने रहे, सैलरी आने रही है, महीने के बिल सर पे खड़े, और मेरे पापा शादी के पीछे पड़े, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी जी रही हूँ मैं। हो गया सबका कवि सम्मेलन या और बाकी है? नहीं मैडम, अभी नहीं हुआ है। और तुमको क्या कहा था, दिखने नहीं चाहिए हमारे आसपास, 1 किलोमीटर दूर होने चाहिए हमारे थाने से, फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखिए 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 सिस्टर, आप सीरियस है? और सीरियस ही जाओगे, अस्पताल भी बता रहे हैं, अगर 2 मिनट के अंदर अंदर तुम यहाँ से नहीं गए ना तुम हो तो दे, 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 रुको रुको, मैं 5 तक गिनूंगा,
5 तक गिनूंगा मैं। उर्मी, अगर तूने मेरा प्यार नहीं अपनाया ना तो ये जहर पी के मैं मर जाऊंगा। 1, 5 लाओ, हम पिलाते तुमको जहर। लाओ। नहीं नहीं, पूरा गिनने तो दो, चिटिंग गई है। टाइम नहीं है इतना हमारे पास, समझे? मरो जाके अभी, ला दो। एक मिनट, तू मेरा काम करेगा? मेरे को पता था मेरी उर्मी मेरे को मरने नहीं देगी। काम करेगा। अच्छा, ऐसी आ रही है तू? लेकिन बदले में मेरे से शादी बनाएगी? लास्ट टाइम ऐसा काम करेगा कि नहीं? करूंगा ना मैं, करूंगा। तो बैठ, बैठ। करूंगा। सुन, देखो क्या करने का है। ओके, कर लो। हाँ, आप क्यों बुलाया मुझे? हमने कहा था ना कि हम आपके भाई को ढूंढ निकालेंगे, सो हमने ढूंढ निकाला। वो रहा, ये है आपके भाई अमर। ये मेरा भाई नहीं है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ और मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। तुम अमर नहीं हो? नहीं, मैं हूँ, अमर ही हूँ। कोई प्रूफ है कि तुम अमर हो? हाँ है ना, एक मिनट दिखाता हूँ। दिखा रहे सबूत। ये देखो, ये मेरा पासपोर्ट, ये रेशन कार्ड, ये वोटर आईडी, और हाँ, और हम दोनों का ना एक फोटो है हमारे पास। ये देखो, ये जरूर कोई ठग है जो मेरा उल्लू बनाने आया है। मैडम, ये आईडी और ये फोटोशॉप 50-50 रुपए में हो जाते हैं, अब किसकी बातों में आ गई हैं? फ्रॉड है ये, एक नंबर का। अमर, ये है अमर। हाँ, यही अमर? तो है अमर, इसी ने शादी के जाल में फंसा के हम तीनों को ठगा है। मुझे पता है तुमने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया था, लेकिन मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ ना। देखो, अभी तुम आ गए हो तो इन सबको भूल जाओ, तुम्हारा अधूरा वादा पूरा करो। चलो अभी के अभी शादी करो मुझसे। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे तुमसे शादी कर लेगा? हाँ, पता है अभी भी अपने पापा को रूम में लॉक करके आई हूँ। नहीं नहीं, इसकी शादी तो मुझसे ही होगी। चलो अमर, हम अभी शादी करते हैं। चलो, चलो। इनकी शादी तो सब हमसे होगी, हमारे भी तो पैसे गए हैं, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देंगे। ए, छोड़ उसे, इसकी शादी सिर्फ मेरे से होगी। चलो, मुझसे होगी। चलो, अरे नहीं, सुनो तो, किससे शादी होगी? अमर, अमर चुप। टोपागिरी लगा के रखी हुई है, मैं करूंगी। हाँ, जिसका शादी हो रहा है, जिसको शादी करना है, उससे तो पूछो उसको किससे करना है। हाँ भैया, किससे शादी करना है तुमको? दीदी बोलेगी तो मैं तीनों से करूंगा। Shut up! अपनी नौटंकी बंद करो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। हम सब समझ रहे। ए, जरा जोर से बोलना। शादी के नाम पर अब दोनों भाई बहन ये सब नाटक कर रहे हो ना, ताकि किसी एक से शादी के होने के बाद बाकी सबको पैसे जो लौटाने नहीं पड़ेंगे। शादी नहीं करनी तो ठीक है, पैसे लौटा दो, वो भी अभी इसी वक्त, नहीं तो सारी पुलिस फोर्स यहीं पे खड़ी है। देता हूँ, एक एक करके सबके पैसे मैं देता हूँ। मैंने बैंक में फोन किया था, मैनेजर पैसा लेके आता ही होगा। अमर के अकाउंट में जितना बैलेंस है 7 लाख वो मैं लेके आया हूँ। 7 लाख? लेकिन इसने तो 18 लाख ठगे थे ना। बाकी के पैसे कहाँ हैं? देता हूँ। बाकी के पैसे भी मैं देता हूँ, इसके लिए मैं अपना घर बेच दूंगा। दीदी जाओ, घर के पेपर लेके आओ। पेपर? कैसे पेपर? तुम मेरे घर को कैसे बेच सकते हो? एक मिनट, अरे ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? भाई है तुम्हारा, उसका भी तो अधिकार है ना घर में। नहीं, वो अपने हद से बेच सकता है। और मुझे पता था तुम यही बोलेगी, इसलिए मैंने वकील को ऑलरेडी फोन करके रखा था, वो आता ही होगा। हाँ, तो निकाली पेपर्स? अरे पागल हो गए क्या सबके सब? अरे मैं बोल रही हूँ कि अमर नहीं है। लेकिन ये तो कह रहा है कि अमर है। अरे इसके कहने से क्या होता है, इसके पास सबूत भी है। अरे सबूत नकली है, फर्जी है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैं ही अमर हूँ, मैं अमर हूँ। और मैंने ही अमर परगिन से शादी की थी और उनको ठगा था, इन तीनों को। पैसों के लालच में आकर ये सब किया मैंने,
मैं खुद एक लड़की हूँ तो जानती हूँ कि लड़कियां बहुत भावुक होती हैं, हर फैसला दिल से लेती हैं। मैं तुम तीनों से माफी मांगती हूँ, सही क्या है गलत क्या है मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, ये भी नहीं दिख रहा था कि तुम तीनों की भावनाओं से खेल कर मैं कितना बड़ा पाप कर रही हूँ। और इनके पैसा? मैं आज सारे पैसे इनको वापस कर दूंगी। तो अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो हम ये बता दें कि ये सब एक नाटक था। दरअसल सच बात तो ये है कि हम सुबह ही जानते थे कि तुम ही अमर हो और तुम ही अमृता भी हो, लेकिन हम ये सच्चाई तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहते थे। हम चाहते थे कि तुम खुद कन्फेशन दो, इसलिए हमने छोटा सा नाटक किया। केस क्लोज, काम खत्म, पैसा हजम, तालियां। मैडम सर, हम तीनों की तरफ से हमारे पैसे वापस करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको और आपके टीम के सैल्यूट। बहुत 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 बढ़िया काम किया आज तुमने, जैसे तुमने केस सॉल्व किया, जिस सूझबूझ के साथ इस केस का समापन किया, काफी प्रशंसनीय। अगर आज मैडम सर यहाँ होती ना तो वो तुम्हारी तरह ही केस सॉल्व करती, जैसे तुमने सोचा केस के बारे में बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करती। मैं बोली थी कि मैं एक नंबर चीज है, तुम लोग को मेरे टैलेंट का कदर नहीं मालूम क्या? अभी इस वर्दी में और तेरे हसीन दिलरुबा के कैरेक्टर में इतना अच्छी घुसे लिया ना, मैं नक्की मुंबई वापस जाके ये वाड़ा पाव नहीं चलाएगी, मैं अपना पर्सनल थाना खोलेगी। बहुत बढ़िया। कहे ये तुम्हारे आज के 2000 रुपए और ये एक्स्ट्रा 1000। एक्स्ट्रा बोले तो? हाँ, मतलब आज तुमने इतना अच्छा काम किया है तो मैडम सर की जुबान में बोलते हैं ना शुक्राना, तो वही कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम ये तुम्हारा शुक्राना विक्राना रखो अपने पास, जितना अपना बात हुआ था उतना ही चाहिए। 2000 बोला तो 2000, इससे ज्यादा नहीं। पेन ड्राइव? काय? काय? ये तो लॉकेट है मेरा। मैं ऐसा लॉकेट कौन लेकर घूमता है? कौन दिया तुमको ये लॉकेट? अरे ये ना मेरा एक भाई है, ऐसा मूव वाला भाई है मुंबई में, और भाई भी है, और ऐसा ना अतरंगी गिफ्ट मेरे को देता रहता है कभी। तो वर्दी में क्या पहनना अलाउड नहीं है ना, इसके लिए मैं जेब में रखती हूँ। चल चल चल, अभी मेरा जो है टिकाने का टाइम हो गया, चलती क्या मेरे साथ? नहीं नहीं, दोनों बैठ के मारेंगे दो घूट और लगाएंगे दुनिया की वाट। तुम ही लगाओ घूट और तुम ही लगाओ वाट, समझे? हमें को बहुत काम है। जय हिंद। जय हिंद। बाल बाल बच गए, इस लॉकेट में हार्ड ड्राइव का सारा डेटा है, ये पेन ड्राइव जितनी जल्दी हो सके अनुभव तक पहुंचाना होगा और उन्हें सारा सच बताना होगा। हेलो हेलो हीरो, मेरे साथ डेट पे चलता क्या? नहीं, आज हमें कुछ काम है। अरे सुन तो मेरी बात, मैं इतना बड़ा केस सॉल्व किया है, तेरे को मालूम क्या? सबने खड़े होकर ऐसा सल्यूट विल्यूट मारा है मेरे को, थोड़ा शाबाशी तो बनता है ना, चलना मेरे साथ, काय के लिए नाटक कर रहा है? ठीक है, कहाँ मिलना है? पंचवटी होटल बार अर्निंग रेस्टोरेंट, देखा है? हाँ देखा है। ठीक है, तो वहाँ पहुँच जाना 7 बजे। ठीक है, मिलते हैं। वैसे आप खुले बालों में अच्छी लगती है। इनको मारने से पहले आप दोनों को हमें मारना होगा। बहुत दिनों से हम आपको कुछ देना चाहते थे।
साजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अपुन को पहले से ही पता था इस बार भी तुम मेरे को गिच्ची देने वाली है, अपुन के साथ डेट पे नहीं जाएगी, इसलिए मैंने सब डीएसपी साहब को बता दिया था, अपने अनुभव सर को। अरे उन्होंने अपुन को यहाँ पे भेजेला है। क्या? हाँ फिर अच्छा मैं क्या बोलूं, अपुन दोनों डेट पे है, तू और मैं एक साथ। मेरा लॉकेट वापस कर। हा? दे। नहीं नहीं नहीं, अपुन नहीं देगा ये लॉकेट। अरे भूल जा तू, पहली बार तूने अपुन को एक गिफ्ट दिया है, अरे इसे तो साजन अपने जान से लगा कर रखेगा। साजन ये क्या करे? अरे भूल जा तू, भूल जा। मैं मस्ती के मूड में नहीं हूँ, लॉकेट वापस कर मुझे दे। ठीक है लॉकेट चाहिए? हाँ दे। दे देगा, लेकिन अपुन की एक शर्त है। क्या है? ये वैलेंटाइन तेरे को अपुन के साथ मनाना पड़ेगा, अपुन की वैलेंटाइन बन के। बोल, है मंजूर? अनुभव नहीं आए, उन्होंने ऐसा क्यों किया?